भारत में अब तक कोविड 19 के टोटल 4,421 कंफर्म केसेज आए हैं और पिछले एक दिन में 354 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 117 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सिंस लास्ट वन डे 8 एडिशनल डेथ हैव बीन रिपोर्टेड। कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल टू मैनेजमेंट उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे डीसीज को भी ओरिएंट किया था। उसके तहत इट इज सो हैप्पी टू नोट कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि आगरा, गौतम बुद्ध नगर, पत्तनम तिट्टा, भीलवाड़ा, पूर्वी दिल्ली और मुंबई में उस एक्शन प्लान के तहत और इसी तरह सभी जिलों में उस एक्शन प्लान के तहत काम हो रहा है। साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कहीं जगह पर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के तहत जो हमारे कंट्रोल रूम चल रहे हैं उनको भी और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर कोविड 19 का मैनेजमेंट, ये एक्सरसाइज भी हर जिले लेवल पर चल रही है, जैसे कि पुणे, सूरत, बेंगलुरु और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सर्वेलेंस, क्वारंटाइन फैसिलिटीज मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग द हेल्थ ऑफ सस्पेक्टेड पेशेंट्स और उनके कॉन्टैक्ट्स, पीपल हु आर स्टेइंग एट होम क्वारंटाइन उनका मैनेजमेंट, इन्फॉर्मिंग सिटीजन्स विद रेस्पेक्ट टू अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, साथ ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस यूजिंग हीट मैप्स, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एम्बुलेंसेज और ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, साथ ही टेली काउंसलिंग भी टेक्नोलॉजी को यूज कर की जा रही है। आज एक बहुत ही मुख्य डॉक्यूमेंट हम लोगों ने अभी अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। इस डॉक्यूमेंट के तहत कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स और जो फैसिलिटीज है उनको हमने क्लासिफाई किया है, जिसके तहत हम लोगों ने कोविड को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज को तीन भाग में बांटा है। पहली फैसिलिटी को जिसको हम कहते हैं कि कोविड केयर सेंटर, जहां पर प्राइमरीली माइल्ड या वेरी माइल्ड और सस्पेक्ट केसेस को रखा जाएगा। ये मेकशिफ्ट फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज जैसे हॉस्टल्स, होटल्स, स्कूल्स, स्टेडियम्स, लॉजेज, उस टाइप की फैसिलिटीज हो सकती हैं। इसके साथ ही जो हमारी इससे पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज थी उनको भी अपग्रेड कर हम कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमने स्टेट से कहा है कि जो भी ये कोविड केयर सेंटर है, ये एक कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड केयर हेल्थ सेंटर से मैप्ड हों, ताकि यहाँ पर जो पेशेंट्स रखे जाएं, जो कि जैसे मैंने कहा है जो माइल्ड हैं या सस्पेक्ट केसेस हैं, अगर नीड हो तो उनको किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फर्दर केयर के लिए लिया जाना है, वह क्लैरिटी वहाँ पर फील्ड पर हो। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटर्स आर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर। इससे पहले मैंने बताया था दे आर केयर सेंटर, दीज आर हेल्थ सेंटर्स, और इन सेंटर्स में उस टाइप के पेशेंट जो कि क्लिनिकली मॉडरेट लेवल ऑफ सीरियसनेस है उनको मॉनिटर किया जाएगा। ये या तो कोई फुल हॉस्पिटल हो या कोई डेडिकेटेड ब्लॉक हो किसी हॉस्पिटल में, जिसकी प्रॉपर ट्रायजिंग, सेपरेट एंट्री एग्जिट या जोनिंग हो, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन स्प्रेड का खतरा ना हो, और इन सब हॉस्पिटल्स में बेड्स एश्योर्ड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ होने चाहिए। तीसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स। These are the hospitals जो कि comprehensive care primarily provide करेंगे, जो कि हमारे severe और critical cases हैं। ये hospital भी या तो full hospital हो या dedicated blocks हो, और इनमें fully equipped ICU facilities, ventilator और beds with assured oxygen support होना चाहिए। इस particular classification के द्वारा हम लोग states को भी और अपने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के जितने हॉस्पिटल्स उनको एक गाइडेंस ये प्रोवाइड करना चाहते हैं कि किस टाइप से हमें केसेस फील्ड लेवल पर मैनेज करने हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि आज होम मिनिस्ट्री ने मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू रूप से और हैसल फ्री रहने के लिए स्टेट्स और यूटीज को विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। भारतीय रेलवे ने भी 2,500 कोचेज में 40,000 आइसोलेशन बेड्स तैयार कर दिए हैं। वह एक दिन में 375 कोचेज को आइसोलेशन बेड्स में बदलने का कार्य कर रहे हैं। यह कार्य अभी 133 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री चल रहा है। आज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी एक जनरल गाइडलाइन इशू की है, जिसमें कि
आयुर्वेद द्वारा इम्यूनिटी बूस्टिंग कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है।